वंदे मातरम जय भारत माता की। मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं मास्को जा रहा हूँ, भारत के लिए गोल्ड जीत कर लाऊंगा। और हुड्डा साहब हैं जो हमारे जिला के प्रधान, जो मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। और रन सिंह कुमार को साहब हैं जो हमारे कोच हैं। कहाँ जा रहे हैं? मास्को। तो गोल्ड मेडल दिलाएंगे? हाँ, भारत माता के लिए मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नक्सल लाइव आवाज़। आपके प्रिय दर्शकों बता देते हैं, पहलवान चला मॉस्को। मॉस्को मतलब विदेश, विदेश में पहलवान जा रहा है। और सामने ग्रैपलिंग कमेटी, ग्रैपलिंग रेसलिंग कमेटी के सदस्य हैं, हिसार से हम मौजूद हैं और सारी बात करेंगे। यहाँ ग्रैपलिंग के जो सदस्य हैं, इनसे पहले परिचय लेंगे। सभी दर्शकों के, आप लोगों के जो चैनल के दर्शक हैं, विभिन्न जो चैनल यहाँ पे पहुँचे हैं, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का। और जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा, मैं रण सिंह पवार ग्रैपलिंग कमेटी हिसार का जिला महासचिव हूँ और मीडिया प्रभारी हूँ हरियाणा ग्रैपलिंग कमेटी का। और जो आज हम लोग, हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, दिलबाग सिंह हुड्डा लुदास हैं जो ग्रैपलिंग कमेटी हिसार के अध्यक्ष हैं, और आज रिंकू पहलवान जिसके लिए आप लोगों को हमने निमंत्रण दिया है, आज जिसको हम बात रखने वाले हैं, रिंकू पहलवान जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रैपलिंग टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहा है भारतीय टीम के अंदर, जो कि एकमात्र हिसार से है। और ये जो प्रतियोगिता है 18-19-20 को मास्को रूस में होने जा रही है, इसके अंदर रिंकू पहलवान का सिलेक्शन जो है भारतीय ग्रैपलिंग टीम के अंदर हुआ है 62 किलोग्राम के अंदर। और ये आज जो है खरखोदा भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसके अंदर 4 दिवसीय भारतीय टीम का कैंप लगने जा रहा है, उसके अंदर भाग लेने के लिए जाएगा और वहां से 16 तारीख की फ्लाइट से सीधा मास्को के लिए रवाना होगा। तो इससे पहले हमारे जो हुड्डा साहब हैं, ये यहां पे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, बातचीत कर लें। जी हुड्डा साहब, स्वागत है आपका। हुड्डा साहब, रिंकू भाई साहब जा रहे हैं पहले कैंप में और उसके बाद मास्को में। जी जी, तो क्या कुछ लग रहा है ग्रैपलिंग को लेकर के, कितना कुछ उत्साह है इन युवाओं में? देखिए, पहले तो मैं आपके सभी चैनलों का स्वागत करता हूं और जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं उनको नमन करता हूं। और मैं ग्रैपलिंग कमेटी जिला हिसार का अध्यक्ष भी हूं और पैक्स का चेयरमैन भी हूं और भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। तो आज हमारे ये रिंकू बधाउड़ गाँव के हैं, हिसार जिले के अंदर गाँव पड़ता है, बरवाड़ा ब्लॉक के अंदर, 62 किलो के अंदर ग्रैपलिंग के अंदर ये एकमात्र हिसार से अकेले पहलवान जो है मास्को जा रहे हैं। और टोटल जो खिलाड़ी 15 पहलवान जा रहे हैं। और ये कल से एक कैंप लगेगा खरखोदा भारत स्कूल के अंदर, चार दिवसीय इनका कैंप है, और उसके बाद फिर ये 16 को मास्को के लिए रवाना होंगे। और ग्रैपलिंग में ये एक अच्छे खिलाड़ी उभर के आए हैं, नए खिलाड़ी, और मैं तो इनको आशीर्वाद देता हूँ कि ये अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे युवा खिलाड़ियों को ऐसा साथ दिया है और इनको वहाँ आगे तक पहुँचाने के लिए पूरे प्रयास जारी हैं। और मैं और भी सभी से निवेदन करता हूँ, खिलाड़ियों से, इनके माध्यम से, ग्रैपलिंग कमेटी के जितने भी हमारे साथी हैं, कि भी हमारे युवा बच्चे नशे से दूर रहें, पार्टीबाजी से दूर रहें, एकमात्र सीधा हमारे खेल के अंदर ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर हमारे बच्चे एक अच्छे संस्कृति वाले बच्चे होंगे तो देश का भविष्य भी उज्ज्वल होगा। तो मैं इनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। रिंकू पहलवान, जो हमारे अच्छे पहलवान 62 किलो के। जी रिंकू जी, आप जा रहे हैं खरखोदा कैंप में। हाँ जी। और उसके बाद मास्को के लिए आपको सिलेक्ट किया गया हिसार जिले से। हाँ जी। तो ग्रैपलिंग कमेटी की तरफ से आपको चुना गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसी आपकी तैयारियां हैं जिस वर्ग में आप खेल रहे हैं 62 किलो में? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, और मेरी बहुत अच्छी तैयारी है और मैं अपने देश के लिए गोल्ड लेकर ही आऊँगा। अपना एक बार परिचय भी दे दीजिए, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम रिंकू है, मैं गांव बदावड़ से हूँ, किसान का बेटा है। मैं किसान का बेटा हूँ और जो यहाँ तक पहुँचाने वाला है वो मेरा बड़ा भाई है सोनू, और मेरा परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया है। बहुत कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं 10 साल से कुश्ती कर रहा हूँ ग्रैपलिंग। अच्छा, मेडल जीत कर आएंगे, पूरा यकीन है आपको? हाँ हाँ, मेरे को पूरा यकीन है, अब मेडल जीत के आऊँगा। मैं पहले अकेडमी शिशाई के पहलवान लिली पहलवान के पास करता था, जो आज़ाद नगर में है, बाबा लाल दास अकेडमी के नाम से, वहाँ 10 साल से मैं लिली पहलवान के पास कुश्ती करता हूँ। और मैं, आप किस उद्देश्य से मॉस्को जा रहे हैं? क्या एक गोल्ड मेडल है कि देश प्रेम को भी साथ में लेके चले? नहीं, गोल्ड मेडल के लिए, मैं अपने देश के लिए मैं गोल्ड मेडल जीतूं। हैं और जो इस खेल में आना चाहते हैं
कैसा ये खेल है, कितनी चुनौतियां हैं, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, खर्चा कितना आता है? ये बहुत अच्छा खेल है और मैं सभी भाइयों से, सभी मेरे प्यारे दोस्तों से मैं कहता हूँ भाई ये अच्छा इस गेम। सर, मतलब एक तो कुश्ती है, हाँ, कुश्ती का ही एक हिस्सा ग्रैपलिंग, हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि नौजवानों को पता लगे ग्रैपलिंग है और इसमें कितनी प्रतियोगिता है, हाँ, कैसे तैयारी की जाती है, नॉर्मल कुश्ती से कितना अलग है? ये कुश्ती ही है, ये ग्रैपलिंग है, कुश्ती तीन, फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन और ग्रैपलिंग, ये कुश्ती ही है। ये कुश्ती का तीसरा पार्ट है जो अभी ये नया अभी स्टार्ट हुआ है। तो इसकी तैयारी के लिए यहाँ कोई एकेडमी, कोई आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, अगर कोई और दूसरों को भी तैयारी करनी हो ग्रैपलिंग की, तो कहाँ तैयारी करें? यहाँ पर रण सिंह पवार को साहब हैं जो यहाँ पर बहुत अच्छे कोच हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाते हैं, बहुत टाइम देते हैं, रण सिंह को साहब हैं मेरे जी। रण सिंह जी, आप बताएं इसके बारे में प्रॉपर, जो है कहाँ कोचिंग ले सकते हैं अगर नए युवा इसमें शामिल होना चाहते हैं खेल में, तो कहाँ कोचिंग? ऐसा है, भारतीय कुश्ती संघ के नीचे ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया काम करती है और जो ग्रैपलिंग खेल है वो कुश्ती, ये मान के चलिए मलयुद्ध, जिसको ग्रैपलिंग बोलते हैं, मलयुद्ध भारतीय खेल है, परंपरा पुराना खेल है जिससे कुश्तियों का निकास हुआ है, न कि कुश्ती से ग्रैपलिंग का हुआ है। पहले इसके अंदर जो टेक्निक यूज होती थी, मरोड़ना, तोड़ना और बस करवा देना किसी पहलवान प्रतिद्वंदी को, वो ये है, ये लोक चोक का खेल है, ये कोम्बो खेल है, जूडो का भी, कुश्ती का भी और जुत्सु का। तो इस खेल के अंदर जो अब जो प्रचार प्रसार हुआ है, भारत के अंदर प्रसारण हो रहा है ग्रैपलिंग का और बढ़ावा मिल रहा है, इसके अंदर अभी जो खेल रहे हैं वो पहलवानी खेल रहे हैं और पेवर जो ग्रैपलर है वो अभी तैयार हो रहे हैं। बहुत सारी अकेडमियां भारतवर्ष में हमारी चल रही हैं जिसके अंदर हम ग्रैपलिंग की तैयारी करवाते हैं। हिसार की बात करें तो कैमरी गांव में सेंटर है, यहाँ कुछ जो सेंटर कुश्ती के हैं वहीं हमारे ग्रैपलर तैयारी करते हैं। ये रिंकू पहलवान है, ये मेरे पास में 2 महीने से करीबन प्रैक्टिस पे है, क्योंकि इसका सिलेक्शन भारतीय ग्रैपलिंग कमेटी की तरफ, भारतीय दल के अंदर, ग्रैपलिंग दल के अंदर हुआ है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि भी और ज़्यादा इसके जो सेंटर वगैरह हैं वो हम खोलेंगे, हिसार में, हरियाणा में, जगह जगह हमारे सेंटर खोलेंगे और ग्रैपलिंग की तैयारी करवाएंगे। तो आने वाला समय, भविष्य जो है ग्रैपलिंग का उज्जवल है भारत के अंदर और हम पूरी कोशिश, भारतीय ग्रैपलिंग कमेटी पूरी कोशिश कर रही है इस खेल को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं में प्रोत्साहन इस खेल के प्रति बढ़ाने के लिए। ये मास्को में ट्रेनिंग के बाद फिर गेम्स भी होंगे या सिर्फ ट्रेनिंग होगी वहाँ पर इनकी? मास्को के अंदर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जिसके अंदर ये भाग लेने जा रहे हैं, जहाँ पे 84-85 देश भाग लेंगे और भारतीय कुश्ती दल के अंदर हमारे पहला 15 पहलवान महिला पुरुष भाग ले रहे हैं, जिसके अंदर एकमात्र पहलवान जो रिंकू पहलवान हिसार से भाग ले रहा। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।